नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल के रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें हैं जहां पर आपको जीआरपी पुलिस दिखाई दे रही होगी, क्योंकि आज दोपहर 12 बजे जीआरपी पुलिस को एक जानकारी मिलती है करनाल और बजीदा के बीच में जो रेलवे लाइन है उसमें एक कटे हुए व्यक्ति का शव बरामद होता है, जिस शव की अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है। और इस वजह से इस खबर को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें, ताकि जो शव है यानी वो व्यक्ति कौन था, किसका वो शव है और उसके परिवार के सदस्यों के बारे में जल्द से जल्द कोई जानकारी मिल पाए, इस वजह से इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। हालांकि रेलवे लाइन में कटने के बहुत से मामले देखने को मिलते हैं। कई बार क्या होता है कि इंसान रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा होता है और जल्दबाजी में अचानक से ट्रेन आ जाती है, जिसकी वजह से कट जाने की वजह से मौत हो जाती है। और बड़े कम चांसेस होते हैं कि अगर आप ट्रेन के आगे आ जाए और आप बच जाए। और ऐसा ही एक मामला आज फिर से रेलवे स्टेशन जो करनाल की तस्वीरें हैं यहाँ पर देखने को मिला। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि एक ट्रेन भी आती हुई आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ट्रेन आती हुई दिखाई दे रही है और इसी तरीके की ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। और ऐसे में कितने उस व्यक्ति के टुकड़े हुए, अपने आप में बड़ी ही दर्दनाक बात यह है, दर्दनाक घटना ये रही। लेकिन अपने आप में परिवार को पता चल पाए कि आखिर कौन है वो जिसका शव आज करनाल और बजीदा के बीच में बरामद हुआ। सर, कब आपको जानकारी मिली और कब वहाँ पर पहुँचे थे? मैम जी, ये हमारे को जो करीब 12 बजे स्टेशन मास्टर की तरफ से सूचना मिली थी, मेमो जारी होती है, सूचना मिली कि जो है ये बजीदा जटान और करनाल के बीच में एक डेड बॉडी जो है लाइनों में पड़ी हुई है। तो ये सूचना पाकर मैं अपने स्टाफ के साथ जो है मौके पर पहुँचा हूँ। तो वह मौके पर देखा कि अप लाइन के अंदर एक डेड बॉडी कटी हुई है, पैर कटे हुए हैं, सिर भी टूटा फूटा है, मतलब कटी हुई डेड बॉडी है। लेकिन उसकी पहचान नहीं हो सकी, ना तो उससे कोई आईडी प्रूफ मिला है, कोई ना कोई मोबाइल या नहीं, उससे कुछ ऐसी वो नहीं मिली। कपड़े वगैरह क्या? तो कपड़े उसके स्वेट टी शर्ट है उसकी जो है, हाँ, आसमानी कलर की हुडी पहनी हुई थी। हाँ, आसमानी कलर की, और जो है जींस की पैंट है नीले रंग, नीले कलर की। तो और कोई, तो और कोई ऐसी नहीं, ऐसा कोई उससे कुछ भी नहीं मिला जिससे उसकी पहचान हो सके। तो देखने से ऐसा लग रहा कोई मजदूर या कोई गरीब इंसान कोई ऐसा था। पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया गया, अभी डेड बॉडी को उठा के जो है डेड उसमें रखवाया है। अलग अलग टुकड़े हो चुके थे? नहीं, टुकड़े तो नहीं है, सिर टूट गया, खोपड़ी माथा ये सारा टूट गया, टांग कट गई है। तो ऐसे कहीं हो सकता है रेलवे लाइन पार कर रहा हो, क्रॉस कर रहा हो। तो हाथ वगैरह पे कोई निशान नहीं? कोई निशान नहीं है, कोई नहीं, कुछ नहीं मिला उसे, ना कोई जेब से कुछ मिला है, ना कोई ऐसा कुछ। देखकर क्या अंदाजा लगाया जा रहा है कौन हो सकता है, कोई बिहारी मूल का? तो ये हो सकता है कि मजदूर हो सकता है, कोई गरीब आदमी मजदूर है। हाँ, उससे कहा कुछ ऐसा देख, कुछ उसके देखने से जैसे पेंट के साथ उसके पेंट को रस्सी से बांध रखा था उसने अपने उस बेल्ट की जगह, तो ऐसे मतलब कपड़ों के हिसाब से या उसको देखने से कुछ ऐसे गरीब, हाँ, गरीब परिवार से है, कोई मेहनत मजदूरी वाला आदमी है, या कुछ ऐसा हो सकता है। अब तक कुछ पता नहीं चला, अभी तक कुछ पता नहीं चला उसका। तो मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें। जो पहचान बताई गई है उस पहचान में अभी तक केवल यही है कि ये आसमानी रंग की, जो इस वक्त आपको ऊपर आसमान का कलर दिखाई दे रहा होगा, जो रंग आपको दिखाई दे रहा होगा, उस रंग की हुडी पहने हुए थे, नीचे भी उसी रंग का जो लोवर था वो पहना हुआ था और काफ़ी गरीब परिवार से लग रहा था। यानी कि अब देखकर यही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद किसी गरीब परिवार से है, मजदूर वर्ग का हो सकता है, और ऐसे में हो सकता है कि रेलवे लाइन को ही क्रॉस कर रहा हो, न जाने कहां वो जा रहा था, हो सकता है करनाल में वो मजदूरी करता हो। और आसपास के भी आप देख सकते हैं कि यहां पर रेलवे ट्रैक के पास ही आपको प्लेटफॉर्म पर अनेकों लोग यहां पर देखने को मिल रहे होंगे जिन्होंने सफ़र करना है। और लोगों से भी मैं कुछ बात करूँगी। भैया, अक्सर हम रेल से कटने के मामले देखते हैं, आप लोग भी जब आते होंगे जाते होंगे, लोगों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? क्या आपने भी कभी ये रेलवे लाइन पार की है जल्दबाजी में? नहीं मैम, मैं यही कहना चाहूँगा, हमें दोनों तरफ देख के तभी रेलवे ट्रैक क्रॉस करना चाहिए। और तो बनाए गए, सबसे बड़ी बात है रेल को ट्रैक से क्रॉस ना करके पुल से क्रॉस करना चाहिए। ये सब, हाँ, नहीं है बिल्कुल मैम, अपनी जिंदगी का और अपने परिवार को ध्यान में रखते हुए सफर करना चाहिए इंसान। देखने को मिला है शायद कोई मजदूर वर्ग से था, अब हो सकता है परिवार बिहार से हो, यूपी से हो, किसी और राज्य से हो, परिवार को पता भी नहीं और यहाँ पर इंसान की मौत हो चुकी है। मैम ये तो हमें आपसे ही पता लग रहा है, हम अभी आए हैं, लेकिन बहुत ही दुखद घटना है,
काफ़ी यानी देखिए दुखद घटना है, क्योंकि ना जाने वो मजदूर कहाँ से था। हो सकता है वो करनाल से हो सकता है वो यूपी से हो सकता है उसके परिवार के लोग झारखंड हो या फिर बिहार में हो, लेकिन कहाँ है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, और उनके परिवार को कोई जानकारी हो पाए। यानी अगर आपके परिवार के कुछ ऐसे सदस्य हैं जो इस साइड करनाल की तरफ मजदूरी करते हैं, तो अपने अपने परिवार के लोगों को एक बार फ़ोन कॉल ज़रूर करके देख लीजिए कि वो लोग ठीक ठाक हैं या नहीं ठीक ठाक, ताकि पता चल पाए कि जिस व्यक्ति का शव मिला है आखिर वो किस परिवार से ताल्लुक रखता है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं M24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।